Hey guys, welcome back to my channel and I hope कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड खुश भी होंगे और खुश रहना भी अच्छी बात है। सो यार डेफिनेटली आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी एंड साथ ही सभी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग ये वाला जो नेकलेस है ये वाला मैंने मीशो से लिया है, उसका कोड दे दूंगी। एंड ये जो टॉप है ये मैंने अर्बन से लिया था, काफी टाइम हो गया है, सो इसका भी मैं आपको लिंक हो सकेगा तो दे दूंगी डेफिनेटली। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये वीडियो सीधा ही मैं फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 230 नंबर शेड है जो कि मैंने पिक किया है अपने शेड के हिसाब से। फिटमी का फाउंडेशन है ये और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, एक सूखा है एक गीला है। सो सूखा वाला हम पाउडर के लिए यूज़ करेंगे एंड गीला वाला इस अपने बेस को जो है ब्लेंड करने के लिए, लाइक फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, इसको मैंने गीला कर लिया था तो इस वजह से ये है। एंड आपको स्पंज जो है आपको पूरा गीला करना है, लाइक पानी में आपको काफ़ी देर तक रखना है, फिर उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है स्क्वीज कर दीजिए। सो ब्लेंडिंग के लिए आपको डैब डैब करना है। एंड गाइज मैंने अपना क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था, प्राइमर भी मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो इसीलिए ये वीडियो डायरेक्ट फाउंडेशन से स्टार्ट किया है मैंने। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कानों को भी बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी आपको फाउंडेशन अप्लाई कर लेना ताकि आपका स्किन टोन मैच हो जाए। यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड वाला जो कंसीलर है ना, वो वाला यूज़ कर रही हूँ। अभी सेट नंबर शायद मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लाइट है स्किन से तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, क्योंकि ये लाइट ही होता है थोड़ा बहुत तो स्किन से। अभी हम पर्पल का यूज़ करने वाले हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। सो कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा यार लाइट है ये भी, बट कोई ना एडजस्ट करना पड़ेगा। बट हाँ मेरे हैंड्स में एंड फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड नेक में और फेस में भी डिफरेंस है, इस वजह से मैं हमेशा नेक के कलर का ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ताकि मेरे स्किन एक जैसी लगे। एंड आप देख सकते हैं अभी, अब आराम से देख सकते हैं अभी तक, लेकिन मैंने आपको दिखाया था पहले भी जब फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था उससे पहले भी अपना नेक का कलर दिखाया था एंड हैंड का कलर दिखाया था। सो यहाँ पर मैं ये दो ब्रश यूज़ करने वाली हूँ एंड ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर बोर्ड वाला जो हमारा पैलेट है वो यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स इसके अंदर। तो आप पहले क्रीज बनाएंगे, मैं अपने टॉप के कलर के अकॉर्डिंग ही इसमें मैंने चूज़ किया अपना कलर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया अभी कौन सा वाला है। सो यहाँ पे मैं क्रीज बना रही हूँ। एंड गाइज ये ब्रश ज़्यादा लाइक प्रोडक्ट को ले नहीं रहता, इस वजह से मैंने अपने हाथों का यूज़ कर लिया उंगली का। सो आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट को अपने आईज पे पहले प्लेस कर लिया एंड अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द ब्रश। एंड यहाँ पर ये मैजिक फ्लावर का जो जेल आईलाइनर है वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें एक ब्राउन एंड एक ब्लैक मुझे मिला था। सो ये वाला अच्छा नहीं कह सकते हैं गाइस, क्योंकि बहुत देर तक भी ये सूखा ही नहीं। सो ये 24 आवर्स तक कहाँ से चलेगा, मतलब आपके जो आप आईज पे मेकअप करोगे उसको भी ये काफ़ी ख़राब कर देगा। सो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर शायद मेरा वाला डुप्लीकेट हो सकता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके ऊपर तो सेम लिखा था कि 24 आवर्स तक आपके आईज पे स्टे करता है एंड ये वाटर प्रूफ है एंड स्मज प्रूफ है, बट स्मज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, वाटर प्रूफ तो होना बहुत दूर की बात है। काफ़ी लगाने में काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं चल रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, बट ऐसे बेकार है। सो या ये मेरा ओपिनियन है, मतलब अच्छा सच्चा सा रिव्यू है इसके बारे में। अभी लेसेस मैंने मैक की यूज़ किया एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक सी है, बट कोई बात नहीं, यूज़ कर ली मैंने, पहली बार मैंने फर्स्ट लेसेस लगाई है। इसी के साथ में ग्लू भी आया था। सो ये मैंने मीशो से ली थी। तो अभी एक बार मैं फिर से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, वो जेल वाला, तो वही मैं फिर से ही अप्लाई कर रही हूँ। उसके साथ ब्रश भी आते हैं दो, लेकिन ब्रश आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब आपका अगर जेल आईलाइनर ही अच्छा नहीं होगा तो इससे अच्छा ना कि आप कोई अच्छे में इन्वेस्ट करो। तो आप देखिए यहाँ पे ये लग गया था ऊपर, तो अभी मैं इसको फिर से इस तरीके से सही कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी आईज़ पे मेकअप सारा ख़राब हुए जा रहा है। तो अभी मैंने एक वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगा ली थी एंड उसके बाद में मैंने इसके ऊपर जो है मेरा लाइक लिप बाम होता है ना, उससे मैंने इसको ग्लोसी टाइप का लिपस्टिक बना लिया था। सो या
अभी मस्कारा लगा लेते हैं एंड मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया। मस्कारा जो है मेबलिन वाला है, एप्पल कर वाला। सो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी एंड यहाँ पे हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है गाइज। एंड ये देखिए ये नेकलेस, मैंने नेकलेस ये ज्वेलरी जो है ऑक्सीडाइज वाली मिस है, और मैंने ईयर रिंग्स भी छोटे छोटे पहने हैं ताकि अच्छा सा लुक आए। एंड डेफिनेटली ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल आइकन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।